मैयर के जरियारी गांव में बिजली पानी की समस्या को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मैयर एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा के नाम नायब तहसीलदार सुमित गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी आजाद पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष अनिल सूर्यवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत जरियारी में कई वर्षों से ट्रांसफार्मर व विद्युत केबल खराब पड़े हैं, जिसे बदलवाने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक उस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। विद्युत केबल नीचे से जाने के वजह से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। आज ज्ञापन देकर 2 दिन का समय दिया गया है। वहीं अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो भीम आर्मी कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। हम लोग ग्राम जरियारी से हैं। जैसे कि हम लोग विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन व विद्युत विभाग को यह सूचना देते आ रहे हैं कि ग्राम जरियारी में 2-3 सालों से ट्रांसफार्मर और केबल जो है तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, और जो आम जनता है वो बिजली पानी इसके उसमें प्यासन, और वो बहुत तरीके से उसमें से वो जूझ रही है समस्याओं से। अपन लोग इन समस्याओं जैसे कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है और केबल बदला जाए, इन मुद्दों को लेकर अनुविभागीय एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन सौंपे हैं, और अपन लोग यह भी अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर विगत दो दिनों में अगर ट्रांसफार्मर व केबल नहीं बदली जाती है तो अधिक से अधिक संख्या में अपन लोग भीम आर्मी व समस्त ग्रामवासी जो है तो यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी साथियों। और मेरा नाम अनिल सूर्यवंशी है, मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी महर विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। मैयर से यूडी न्यूज के लिए प्रेमानंद शावलानी की रिपोर्ट।